मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम, यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, तैयार रखिएगा अपने हाथों को, यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। हमने बजरंग दल का एक कवि सम्मेलन कराया था 6 दिसंबर को जवाहर चौक में, विनीत भाई प्रकाश पटेरिया आए थे उसमें। उनकी 2 पंक्तियां गोपाल जी को आज भी याद है कि तुमने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर। यहाँ ऐसे ऐसे श्रोता बैठे हैं जो कविता को सुनते ही नहीं पीते भी हैं। अजय एक बार खड़े होकर इन्हें प्रणाम करो, आप जोरदार तालियां बजाकर इस बच्चे को आशीर्वाद दो। बात तो उसने बहुत सलीके से कही है कि पहला प्यार अमर होता है, लेकिन ये जो बच्चे उछल उछल कर ताली बजा रहे थे, जो मोबाइल से अभी भी चैटिंग में लगे हुए हैं, इनके प्यार में अब वो गंभीरता नहीं रही गोपाल जी जो आपके ज़माने में थी। आप मीरा बावड़ी पे खड़े रहते थे, चिमना भाई की छुट्टी होती थी। क्या चेतन भैया, देवास में एक ये भी जमाना था, पोहे की पुड़िया में रख के लव लेटर देते थे ये लोग। और नंदू भैया कई बार तो हमको ही दे ले जाके देने पड़ते थे इनके, और उन लव लेटरों को मतलब मेरी तो अब मैं क्या बताऊँ, केपी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जुलाई में एडमिशन हुआ और अगस्त में ही 2 लड़का लड़की मेरे साथ पढ़ते थे, एक प्रमोद और एक प्रमीला। जुलाई में एडमिशन हुआ सांसद जी, और अगस्त आते आते अखंड भारत स्मृति दिवस नहीं मना उसके पहले वो अखंड भारत उन दोनों ने बना लिया मिलके, और वो दोनों प्रेम पत्र लिखते, वो इसको लिख के देती वो उसको लिख के देती, और उन दोनों को लाने ले जाने का काम अपन करते। और कभी कभी मेरी सांप्रदायिकता जोर मार जाती तो मैं पढ़ भी लेता, और वो प्रमीला उसको प्रमोद को लिखती, मैं झाड़ू लगाती हूँ तो कचरे में तुम नजर आते हो, रोटी बेलती हूँ तो बेलन में तुम नजर, और मतलब इतनी ऊंची ऊंची छोड़ती वो, और वो प्रमोद भी कोई कम नहीं, वो उससे ऊंची ऊंची छोड़ता। मैं पढ़ता हूँ तो किताब में नजर आती हो, सोते हूँ तो तकिया में नजर आती, कुछ नहीं। फाइनल होते होते प्रमीला की शादी हो गई पूना और प्रमोद की शादी हो गई गुना। 3 साल बाद रक्षाबंधन का पर्व आया तो 2 दिन पहले जवाहर चौक के वो पाटिल साहब के मेडिकल स्टोर पे दोनों का आमना सामना हुआ, तो प्रमीला ने झट अपने गोद में 2.5 साल के बच्चे से कहा, बेटा मामा जी को नमस्ते कर। ये है प्यार। और इन नौजवान बच्चों का, हाँ प्रवीण नितेश भाई आ जाइए, नितेश जी हमारे आगे, प्रवीण भाई आप भी बैठो, प्यार की बात चल रही, तुम्हारा ब्याह होना है अभी, बैठो। ये एक अच्छे सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रवाह के लिए और इनके लिए। मैं ये बता रहा था कि इन बच्चों के प्यार में वो गंभीरता नहीं रही, वो आती रही मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे, वो एक दिन नहीं आई अपन रविवार समझ बैठे। लेकिन अजय भाई ने बहुत श्रेष्ठ गीत पढ़ा है, मैं 2-3 मिनट आपको सुनाता हूँ, फिर हम इन दोनों अतिथि कवियों को सुनना शुरू करते हैं। मैं प्रेम से ज़्यादा देश प्रेम में लिखा मैंने, लेकिन मैं पहले 4 पंक्तियाँ प्रेम की सुनाता हूँ जहाँ पर उन्होंने छोड़ा है। मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, सयाजी द्वार से शुरू हो और जवाहर चौक तक काम खत्म हो जाता है अपने यहाँ। मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेनसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है, ना ही कोई नैन लड़े ना ही प्रेम पत्र पड़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है, और सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार है। लेकिन देश प्रेम, प्रेम अगर करो तो देश से, और देश से प्रेम जब व्यक्ति करता है तो आपने देखा 9 अगस्त को पहली क्रांति हुई थी, 15 अगस्त को ये देश आजाद हुआ था, लेकिन 5 अगस्त के दिन भारत की पंचायत ने जो फैसला करके दुनिया को सुनाया तो पूरी दुनिया देश प्रेम में झूम उठी। और हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में उस पंचायत में जिस समय पर यह फैसला हो रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री मिलकर इस फैसले पर मोहर लगा रहे थे, हमारा जनप्रतिनिधि वहां पर बैठा था और उसने सक्रियता के साथ उस चर्चा में भाग लिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं यहीं से अपनी कविता की यात्रा शुरू करता हूँ। बड़े भाई मेरे रस के बड़े कवि विनीत चौहान जी हैं, उनकी अगवानी में कविता पढ़ रहा हूँ। उम्र में मुझसे छोटी हैं गौरी मिश्रा, लेकिन उनकी यात्राएं लंबी हैं,
बाहर किसी मंच पे होता तो मैं उनकी बात पढ़ता, लेकिन चूंकि आज वो मेरे शहर में मेहमान हैं इसलिए मैं उन दोनों की अगवानी में अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। एक बार मेरे सम्मान में भी ढंग से ताली बजाओ। जोरदार तालियां। बाबा करो भाई साहब। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्ति मानो की उतारे हम आरती। ओ भूखा रहे कर नंगे पाऊं जो चला तहल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने, चार पंक्तियां बधाई की पढ़ रहा हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं। चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां। हम आदरणीय सोलंकी जी के हाथों देश के प्रधानमंत्री तक देवास से पहुंचाना चाहते हैं कि फिर से जगाया स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। कि फिर से जगाया स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। चारों ओर छाया घटा घोप अंधियारा राष्ट्र, चेतना की ज्योत को जलाने की बधाई है। और शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में तिखिल उठी, आपको पटेल वाली छवि पे बधाई है। ओ भारत अटल था अटल ही रहेगा सदा, मोदी जी को कश्मीर अखंड की बधाई है। भारत अटल था अटल ही रहेगा सदा। वाह वाह वाह। और जो लोग शोर मचा रहे हैं, चाहे वो देश के अंदर के हों देश के बाहर के हों, डरता किसी से नहीं हूँ मैं। चार पंक्ति पढ़ रहा हूँ, जो देश के अंदर है वो भी सुन ले और जो देश के बाहर है वो भी सुन ले। मैं चार पंक्ति पढ़ता हूँ। कि 47 में गलतियां पूर्वजों से हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। कि 47 में गलतियां पूर्वजों से हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जी शोक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। और सीमाओं पे सरे आम गोलीबारी कर रहे हो, सीमाओं पे सरे आम गोलीबारी कर रहे हो, सीमाओं पे सरे आम गोलीबारी कर रहे हो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। ओ लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धेरे करे, लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धेरे धरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धेरे धरे। वाह वाह वाह। और देश के प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे अर्जुन ने कहा, पहले सोमवार को चंद्रयान पर जलाभिषेक कर दिया, मस्तक अभिषेक कर दिया शिव का। और आपने देखा चुनाव के दौरान जब वो जाकर 30 घंटे उन्होंने समाधि लगाई थी, तो 300 कितनी 350 है ना भाई साहब, अगर 10-15 घंटे और लगा लेते। बा, बा, बा। तो कांग्रेस का तो बीज ढूंढने नहीं मिलता पूरे हिंदुस्तान में कि ये पार्टी इस देश में हुआ भी करती थी। लेकिन मैं देश के शिवभक्त प्रधानमंत्री को चार पंक्तियां भेंट कर रहा हूं। कि सावन बरस जाए रक्त की बोछार, कहीं दिग्गजों को छोड़ के दिशाएं डोलना पड़े। कि सावन बरस जाए रक्त की बोछार, कहीं दिग्गजों को छोड़ के दिशाएं डोलना पड़े। रुधिर की बाढ़ आए सारा पाक डूब जाए, चंडिका को चाहे रुंड माल तोलना पड़े। वो मानचित्र पे न कहीं नाम हो आतंकियों का, मानचित्र पे न कहीं नाम हो आतंकियों का, शिव को भले ही अब त्रिनेत्र खोलना पड़े। और सबक सिखा दो जरदारी जी के बाप को भी, वंदे मातरम जय हिंद बोलना पड़े। सबक सिखा दो। वाह वाह, जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। कि हमने माना छोटा भाई लेकिन तुम निकले कसाई, तुम्हारे व्यवहार से समझ हमें आता है। डपली अलगाव की तू चाहे जितनी बजा ले, तेरी हर राग गुनगुनाना हमें आता है। वो दोस्ती अगर किसी से करी है भारत ने, दोस्ती अगर किसी से करी है भारत ने, प्राणों को लुटा के भी निभाना हमें आता है। ओ प्रेम भाईचारे की जो भाषा से परहेज करे, लात जूतों से भी समझाना हमें। क्या बात है। प्रेम भाईचारे की जो भाषा से परहेज करे। वाह वाह वाह। तो गांधी के इस देश में जो लोग अभी भी जिनकी भाषा नहीं सुधर रही वो ज्यादा लोग नहीं है, गिनती पे उंगली पे गिनने वाले लोग हैं। और उनसे भी अगर अकेले में पूछो तो कुछ और बोलते हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। एक असली गांधी के चक्कर में कितने नकली बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वाह भाई वाह। क्या बात है। वाह वाह वाह। और जो सबसे ताजा गांधी है उसके तो क्या कहने,
ताजा गांधी। और डीएनए टेस्ट करा लो अगर गांधी निकल जाए तो। वाह भाई वाह। मैं अपनी देवास की पूरी प्रॉपर्टी हारने को तैयार हूँ अगर गांधी निकल जाए तो। तब मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर मैं आपकी तालियां चाहता हूँ। और जो लोग इसको हिंदू मुसलमान का विषय बना रहे हैं, आज आज़ादी की पूर्व संध्या पर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोई विषय हिंदू मुसलमान का नहीं है, 130 करोड़ आबादी का विषय है धारा 370। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गुंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। और हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं देवास में रहता हूँ, 25% आबादी मुसलमानों की है देवास में। पिछले 50 साल में एक घटना ऐसी नहीं बता सकते जो हिंदू मुसलमान की हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, ओवैसी के पीछे चलने वाला मुसलमान नहीं है, आजम खान के संस्कारों का मुसलमान नहीं है जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ का मुसलमान अब्दुल कलाम की परंपरा का मुसलमान है, बादशाह जफर की। क्या बात है, वाह वाह वाह। पहला बंद सुनिए कि 47 की गलतियों के हरे भरे घाव थे, 47 की गलतियों के हरे भरे घाव थे, बुलबुलों के आंगनों में पीड़ा के पड़ाव थे। 47 की गलतियों के हरे भरे घाव थे, बुलबुलों के आंगनों में पीड़ा के पड़ाव थे। दहशत आतंक बंदूक के ही संविधान थी, समझौते की राजनीति देश का विधान थी। सहमे सहमे बचपन थे पालने डरे डरे, सहमे सहमे बचपन थे पालने डरे डरे, माताओं की झोलियों में हाथ से भरे भरे, अबलाओं की जंगाओं पे पाकिस्तानी नारे थे, अबलाओं की जंगाओं पे पाकिस्तानी नारे थे। शिमला समझौतों के बदले में मिले नजारे थे, शिमला समझौतों के बदले में मिले नजारे थे, शिमला समझौतों के बदले में मिले नजारे थे। ऐसी जर्जर हालत की बदली तस्वीर की, मोदी जी ने समझी है पीर कश्मीर की, देश के जवानों जय बोले कश्मीर की, देश के जवानों जय बोले कश्मीर की, देखे शेर की क्यारी वाले प्यारे कश्मीर की, मांग भारती की मांग के सितारे कश्मीर की, हमको अपनी जान से भी प्यारे कश्मीर की, देश के जवानों जय बोले कश्मीर की। अंतिम बंद पढ़ता हूँ और आपका साथ, व्यवधान बिजली का हो सकता है लेकिन राष्ट्रभक्ति के बीच व्यवधान, कोई व्यवधान ना आपने महसूस होने दिया ना मैं आपको महसूस होने दूंगा। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि षड्यंत्री बारूदों से वो दिल्ली को डराते थे, षड्यंत्री बारूदों से वो दिल्ली को डराते थे, व्यर्थ दुश्मनी की आग घाटी में लगाते थे, षड्यंत्री बारूदों से वो दिल्ली को डराते थे, व्यर्थ की दुश्मनी से वो व्यर्थ दुश्मनी की आग घाटी में लगाते थे। जिनकी आंखों में सदा तिरंगा ही खटकता था, जिनकी आंखों में सदा तिरंगा ही खटकता था, काश्मीरी पंडित फुटपाथों पे भटकता था, जिनकी आंखों में सदा तिरंगा ही खटकता था, काश्मीरी पंडित फुटपाथों पे भटकता था। जलता छोड़ भागे थे जो प्यारे कश्मीर को, वोटों के लिए जो लौट आए कश्मीर को, जिनकी आस्थाएं रावलपिंडी की गुलाम थी, जिनकी आस्थाएं रावलपिंडी की गुलाम थी, मन की पीड़ा जिनके वंदे मातरम का गान थी। ऐसे मक्कारों से छीनी डोर कश्मीर की, मोदी जी ने समझी है पीर कश्मीर की, देश के जवानों जय बोले कश्मीर की, मोदी जी ने समझी है पीर कश्मीर की, वाह 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 वाह, देश के जवानों जय बोले कश्मीर की, वाह भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।